दोस्तों शेव बनाने के लिए सबसे पहले आप बेसन को छान लीजिए। देखिए बेसन छानते समय ऐसी गुठलियाँ आ जाती है, तो आपको बेसन को अच्छे से उन गुठलियों को फोड़कर छानना है। देखिए बेसन को छानकर इस तरह हम एक साइड रख लेंगे। ये मैंने 1 किलो बेसन छाना है, आप इसकी जगह पे आपको जितना बनाना है आप उतना बेसन छानकर रख लीजिए। 5-6 हरी मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन एक बर्तन में रखिए, इस तरह मिक्स कर लीजिए और उसमें 1 कटोरी पानी डालिए और अब इसको उबलने के लिए रख दीजिए। कम से कम 5 मिनट इसको उबालना है। देखिए 5 मिनट हो चुका है पक्के, अब इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। देखिए ये ठंडा हो चुका है, अब इसे मिक्सर के पॉट में डाल लीजिए। उसे मिक्सर में एकदम बारीक पीस लीजिए, ऐसा देख रहे हैं दोस्तों, इतना बारीक आपको पीस लेना है। उसके बाद उसे एक महीन छन्नी में छान लीजिए। दोस्तों छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके जो मोटे मोटे पार्ट्स हैं वो शेव बनाते समय शेव के मशीन में फंसना नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से आपको चम्मच से हिला हिला कर उसका जूस छान लेना है। आप थोड़ा सा ठंडा पानी भी इसमें मिक्स कर दीजिए। और उसको चम्मच से हिला के फिर से छान लीजिए। देखिए इसको ऐसे दबा दबा के इसका जूस अच्छे से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से इसका जूस रेडी कर लेना है। 1 किलो बेसन में 1 छोटी कटोरी तेल डालिए मोवन के लिए। स्वाद के अनुसार आप हल्का नमक डालिए, शेव में ज़्यादा नमक नहीं डालना है, हल्का नमक ही डालना है आपको। अब जो जूस हमने बनाया है वो भी उसमें डाल दीजिए। अब इसे मिक्स कर लीजिए, अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और नरम आटा भिगा लीजिए इसका। अब आप धीरे धीरे पानी डालकर आटा भिगा लीजिए। देखिए आपको बेसन इतना गीला भिगाना है। देखिए आटा रेडी हो चुका है। शेव बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए तलने के लिए। देखिए शेव बनाने के लिए 2 टाइप की जालियां होती है, एक मोटी और एक पतली, तो आपको जो जाली चाहिए वो जाली आप सेलेक्ट करके अपने शेव बनाने के सांचे में फिट कर दीजिए। देखिए हमने ये फिट किया है। देखिए अब हमें इसे सांचे में भरना है, अच्छे से सांचे में भर लीजिए। देखिए तेल गरम हो गया है, उसे टेस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा बेसन डालिए। हाँ तेल गरम हो चुका है। देखिए ऐसे तल लेना है आपको, पलट दीजिए और इसे ऐसे छान लेना है। देखिए हमारा शेव हो गया है रेडी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।